गुगुलू, यह शब्द आपने आयुर्वेद में कई बार सुना होगा। कई आयुर्वेदिक दवाओं में गुगुलू एक प्रमुख घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गुगुलू क्या होता है? नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। गुगुलू एक वृक्ष का नाम है जिसकी गोंद को गुगुलू, गम गुगुलू और गुगुल कहा जाता है। यह सुगंध में मीठा होता है और आग में डालने पर उस जगह को खुशबू से भर देता है। स्वाद में यह कड़वा और कसैला होता है तथा प्रवृत्ति में गर्म होता है। यह वात, कफ, कृमि और अर्थनाशक होता है। यह हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको गुगुलू से निर्मित एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी गुप्ता आप सबका परम आनंद आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी लक्षादि गुगुलू के बारे में। विशेषकर इसका उपयोग हड्डियों से संबंधित रोगों और अस्थि भंग के उपचार में किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में आगे विस्तार में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस दवा को या अन्य किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा को मंगाने की सोच रहे हैं तो आप इसे हमारे यहाँ यानी कि परम आनंद आयुर्वेद से मंगा सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा उचित दाम व उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लक्षादि गुगुलू के प्रमुख घटकों के बारे में। इसमें अश्वगंधा, अर्जुन, लाख, शुद्ध गुगुलू, नागबाला और हरजोड़ का उपयोग किया जाता है। यह सूजन को कम करने और दर्द में राहत दिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फ्रैक्चर यानी कि हड्डियों का खिसकना, गठिया, हड्डियों की समान कमजोरी और फोड़ों के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बवासीर, ऐठन, अकड़न और जोड़ों की सूजन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेवन के बारे में। तो इसे एक से दो गोली दिन में 2 से 3 बार भोजन से पहले या बाद अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार लेना चाहिए। इस दवा का सेवन एक दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना आपको पेट में दर्द और सर दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी भी घटक से आपको एलर्जी है तो खुजली, पित्ती या त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। इस दवा में गुगुलू ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तो गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वह इसका सेवन ना करें। इस दवा के सेवन से पहले आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। आप चाहें तो हमारे यानी कि परम आनंद आयुर्वेद के डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको इसकी सुविधा भी देते हैं। इसके लिए बस आपको हमारी साइट के कंसल्ट और डॉक्टर फॉर फ्री पेज पर जाना है और अपनी समस्या हमारे डॉक्टर को बतानी है। अब बात आती है आप इसे कहाँ से लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसे परम आनंद आयुर्वेद से मंगा सकते हैं। परम आनंद आयुर्वेद आपको सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा उचित दाम व उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान करता है। हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार की दवा को ऑनलाइन मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट जो कि है www.paramanandayurved.com पर जाएं और अपनी दवा मंगाएं। ऑफलाइन मंगाने के लिए आप हमें 9900004674 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी साइट के फ्रंट पेज के VIP ऑर्डर फॉर्म द्वारा हमसे किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा मंगा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी प्रकार की, चाहे वह हमारी साइट में उपस्थित हो या ना हो, हम आपकी ऑर्डर की हुई सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा आप तक 3 से 4 दिन में पहुँचा देते हैं और हम आपकी दवा आप तक पहुँचाने के लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। सही समझा आपने, हम प्रोवाइड करते हैं फ्री होम डिलीवरी की सुविधा और ऐसा करने वाले हम एकमात्र कंपनी हैं। बस इतना ही नहीं, हम आपको हर दवा के MRP के साथ 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी देते हैं। तो अब इंतज़ार किस बात का, हमारी सुविधा का लाभ उठाएं, आयुर्वेद को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भविष्य में आपको आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित और जानकारी दे पाऊँ।
फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक दवा और उसके बहुत सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।